गुड मॉर्निंग फ्रेंड, रोहित क्लासेस सतना में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जबलपुर संभाग का लास्ट जिला बालाघाट। ठीक है, तो लिखिए, पहले देख लीजिए बालाघाट के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध है, बालाघाट में क्या एकमात्र है या बालाघाट किस चीज के लिए प्रथम में जाना जाता है, नदियां कौन कौन सी हैं, यही सब जानेंगे। खनिज क्या क्या है, प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या क्या है। ठीक है, देखते हैं। तो पहले इसको क्या बोला जाता है, बालाघाट को मैग्नीज नगरी, लिखिए इसका उपनाम। लिखिए मैग्नीज नगरी। बालाघाट को और किस नाम से जाना जाता है, मैग्नीज नगरी। लिखिए, फिर लिखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, लिखिए। ये यहां से होते हुए बैहर तक NH 543 और ये थोड़ी से यहां से यहां तक NH 30 और नीचे यहां ये लंजी से होता हुआ खैरलांजी रामप्याली, ये यहाँ NH 543। ठीक है, लिखते हैं कौन कौन से हैं, NH 30 और NH 543। ठीक है, लिखिए। अब पढ़ेंगे नदियां, लिखिए नदियों में, लिखिए वेन गंगा, सोन, बाघ, घीसरी, लिखिए वेन गंगा, सोन, बाघ, घीसरी, अंगा लिखेंगे चंदन, देवो, लिखिए चंदन, देवो और अंगली है बावन घड़ी। इतनी सारी नदियां हैं, लिखिए इसी में, लिखिए नोट करके। यह दो राज्यों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से मिलकर यह दो राज्यों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। लिखिए, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल, लिंगानुपात, जनघनत्व,
क्षेत्रफल लिखिए। नौ हजार दो सौ उनतीस वर्ग किलोमीटर। लिखिए 9,229 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या लिखेंगे। लिखिए 17,01,156। लिखिए जनगणना एक सौ बासठ। अगला लिखेंगे लिंगानुपात। एक हजार इक्कीस। अब पढ़ेंगे विकास खंड। विकासखंड कितने हैं? विकासखंड 10 हैं। लिखिए तीन अनुसूचित जनजाति। एवं सात सामान्य। लिखिए ठीक है। अगला पढ़ेंगे तहसील। कितनी तहसीलें हैं? 11। लिखिए तहसील कितनी है? 11। लिखिए कौन कौन सी हैं? बालाघाट। और लिखिए खैरलांजी। लांजी लाल बर्रा। लिखिए अंगला लिखेंगे किरनापुर। फिर लिखेंगे पारसवाड़ा। अगला लिखेंगे बैहर। लिखना कटंगी। फिर लिखना है तिरोड़ी। लिखिए और लास्ट में बिरसा। ये क्या है? ये बालाघाट जिले की तहसीलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रभु का आकर्षण का केंद्र। लिखिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र।
लिखिए। कान्हा किसली, राष्ट्रीय उद्यान, कुहा। कान्हा किसली, राष्ट्रीय उद्यान, कुहा। इसमें लिखिए क्या है कुहा, क्या है कुहा, एक क्षेत्र है। या इसको लिख सकते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का कुहा क्षेत्र। लिखिए, ठीक है, अगला लिखेंगे। हलवन घाटी उद्यान, लिखिए। अगला लिखेंगे लाजी किला, राम पापली मंदिर। लिखिए, अगला लिखेंगे हट्टा बावली, लिखिए हट्टा बावली। अब लिखेंगे नाहनेसला डैम, लिखिए नाहनेसला डैम। अगला लिखिए गांगुल पारा लिखिए गांगुल पारा। अब लास्ट लिखेंगे धुट्टी डैम, दुट्टी डैम। ये क्या है? बालाघाट जिले के प्रमुख आकर्षण केंद्र। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का कुहा क्षेत्र, हलवन घाटी उद्यान, लाजी किला एवं राम पापली मंदिर, हट्टा बावली, नाहनेसला डैम, गांगुल पारा प्रपात और दुट्टी डैम। ये क्या है? प्रमुख आकर्षण का केंद्र। लिखिए, पढ़ेंगे खनिज उद्योग। लिखिए खनिज बालाघाट खनिज एवं उद्योग, बालाघाट के खनिज और उद्योग। तो लिखिए इसमें, इसको तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे मैग्नीज, क्योंकि इसको तो मैग्नीज नगरी बोला जाता है, मैग्नीज। फिर लिखिए तांबा, फिर लिखिए बाक्साइट। यहां सबसे ज्यादा मैंगनीज का उत्पादन होता है। लिखिए मैंगनीज, तांबा, बाक्साइट। अगला लिखना है कैनाइट। एवं चूना पत्थर। लिखिए अब अगला भाग लिखेंगे
इसी में उद्योग विहीन जिला। लिखिए उद्योग विहीन जिला। फिर लिखिए अगला, बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध। बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध। काहे के लिए प्रसिद्ध है? बांस शिल्प। लिखिए अब पढ़ेंगे बालाघाट में प्रथम व एकमात्र। लिखिए प्रथम व एकमात्र। ठीक है, पढ़ते हैं। तो लिखिए इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। दूसरा लिखिए मैग्नीज व तांबा का उत्पादन। लिखिए मैग्नीज व तांबा का उत्पादन कोष्टक में लिख लीजिए मध्य प्रदेश का सर्वाधिक। सबसे ज्यादा मैग्नीज और तांबा कहाँ होता है? बालाघाट में। इसमें लिख लीजिए मध्य प्रदेश का सर्वाधिक। लिखिए अब इसी में लिखना है सर्वाधिक धान का उत्पादन। लिखिए सर्वाधिक धान का उत्पादन। अगला लिखिए सर्वाधिक बांस का उत्पादन। यहां पर सर्वाधिक बांस का भी उत्पादन होता है। लिखिए ठीक है, आप पढ़ेंगे बालाघाट के विशिष्ट तत्व। लिखिए विशिष्ट तत्व। लिखिए इसमें मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला।
लिखिए, अगला लिखेंगे बंसोड़, जनजाति का घर। लिख लीजिए कोष्टक में बांस शिल्प। का घर लिखिए, अगला लिखेंगे प्रदेश का प्रथम वनराजिक महाविद्यालय। लिखिए प्रदेश का प्रथम वनराजिक महाविद्यालय। अगला लिखेंगे मलाजखंड तहसील से कोष्टक में लिखिए तांबा नगरी। तहसील से तांबा निकलता है। लिखिए इसी में लिखेंगे अगला हिंदुस्तान कापर कंपनी। कहाँ है? मलाजखंड बालाघाट। पुस्तक में लिखी है बालाघाट। अब अगला लिखेंगे फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में। लिखिए फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है? फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में है। अगला लिखना है यहां पर धान से पोहा बनाने के लिए सर्वाधिक मिले हैं। लिखिए यहां पर धान से पोहा बनाने के लिए सर्वाधिक मिले। पढ़ेंगे कुछ स्थानों के बारे में। लिखिए मलाजखंड। इसको क्या बोलते हैं? तावा नगरी। यहां क्या मिला था? तांबा।
2004 व 2005 में पर बहुत बड़ी तांबे की खदान मिली थी। लिखिए मलाज खंड में 2004 या 2005 में यहां पर बहुत बड़ी तांबे की खदान मिली। इसी में लिखना है भारत का सबसे बड़ा तांबे का भंडार मलाजखंड में पाया गया। लिखिए 2004 पांच कब पाया गया था? 2004-5 में। अब पढ़ेंगे भारवेली के बारे में। लिखिए इसमें पढ़ेंगे मैग्नीज की प्रसिद्ध खदान लिखिए मैग्नीज की प्रसिद्ध खदान इसी में लिखेंगे एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान। लिखिए ठीक है अब पढ़ेंगे अगला स्थान हट्टा। हेडिंग डालिए हट्टा। लिखिए हट्टा। लिखिए इसमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल लिखिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल आगे लिखेंगे प्रसिद्ध बावड़ी हुआ मंदिर। इसमें लिख लीजिए कोष्टक में बावड़ी निर्माता
शासक देवगढ़। लिखिए, अगला लिखेंगे इसी में देवगढ़ ब्रिटिश कालीन शक्तिशाली जमादारी थी। लिखिए, ब्रिटिश कालीन शक्तिशाली जमादारी थी। अब पढ़ेंगे उकवा के बारे में। लिखिए, उकवा, इसमें लिखेंगे मैग्नीज खदान, लिखिए मैग्नीज खदान। अगला लिखिए लांजी, यहां लिखना है लांजी का प्रसिद्ध किला। देखिए, लांजी का प्रसिद्ध किला, इस किले का निर्माण कलचुरी वंश द्वारा हुआ था। कोष्टक में लिख लीजिए कलचुरी वंश, याद रहेगा आपको। लांजी का जो प्रसिद्ध किला था उसका निर्माण कलचुरी वंश, जब कलचुरी वंश का शासन था तब हुआ था इस किले का निर्माण। लिखिए, अगला लिखना इसी में, यहां गौड़ों का भी शासन रहा। लिखिए, यहां गौड़ों का भी शासन रहा। अगला पढ़ेंगे लामटा, इसमें लिखेंगे धोती बांध। वैनगंगा नदी पर लिखिए धोती बांध, वैनगंगा नदी पर इसका निर्माण लिख लीजिए धोती बांध का। उन्नीस सौ ग्यारह से 23 तक, 1923 तक। ठीक है, तो बालाघाट के बारे में सारी जानकारी हो गई, हमने सब कुछ जान लिया बालाघाट के बारे में। और क्वेश्चन जो बनेगा इसी के अंदर से बनेगा, बस आप 32 पॉइंट याद रखिएगा। अब अगली क्लास में इंदौर संभाग चलेगा, तो अगली क्लास इंदौर संभाग से स्टार्ट होगी, उसके जिलों के बारे में जानकारी जानेंगे। थैंक यू।